हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनक्यू सीरीज के साथ। जी हाँ, मैनक्यू सीरीज का ये जो क्रम है जो हम चलाए जा रहे हैं उसकी ये शायद 29वीं वीडियो है, 29th नंबर वीडियो है। 28th वीडियो कल अपलोड हो चुका था, चैप्टर 14 कर रहे हैं हम लोग। पिछले दिन मैंने पार्ट 1 डाला था, आज है ये पार्ट 2 और इसका शायद एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, यानी कुल मिला के 3 पार्ट्स होंगे इसके। फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यू कांट मिस दिस टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ये वैसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए तो हो गया। आपने अगर इसका टॉपिक पढ़ रखा है तो इसको रिवाइज करें, और अगर रिवीजन कर रखा है तो ये क्वेश्चंस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके, और मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव मैनक्यू सीरीज का यही है कि मैं पीछे के क्वेश्चंस आपको करा सकूं, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस बेस्ड हैं, जहां से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले वाले वीडियोस रहे थे। ऑल राइट, जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरे पास 6th एडिशन की किताब है। 6th एडिशन की किताब में मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है तो आप एक बार वो खोल लें, कोई नई किताब है तो वो भी रख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स जो है वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, उन क्वेश्चंस को करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो देखते वक्त अगर आपको कभी भी लगे कि वीडियो वैल्यूबल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपको हेल्प कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वीडियो को जरूर 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 लाइक करिएगा, क्योंकि ये लाइक जो कर आप लोग वीडियो पर जो लाइक करते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम पे पकड़ बनता है और यूट्यूब इन वीडियोज को ज्यादा सजेस्ट करती है। इन वीडियोज का मकसद ही है कि वो लोगों तक पहुंच सके। अगर ये लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो इन वीडियोस को बना के कोई फायदा नहीं है, और अगर आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी नहीं रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, उन्हें भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखोगे। ओके, तो चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज करेंटली प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि उसका क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 100 है। इट हैज एवरेज रेवेन्यू ऑफ $10, एवरेज रेवेन्यू $10 है। अगर एवरेज रेवेन्यू $10 है और वो कॉम्पिटिटिव फर्म है, यानी कि उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी $10 होगा, और जो उसका प्राइस है वो भी $10 होगा। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी ATC, ATC है $8, एंड फिक्स्ड कॉस्ट है $200, फिक्स्ड कॉस्ट है $200। तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, हमें प्रॉफिट निकालने बोला है, तो प्रॉफिट एट क्वांटिटी इज इक्वल टू 100, यानी कि जब वो 100 यूनिट बना रही है तो वो इसकी प्रॉफिट कितनी बन के आ रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये कर दो आप प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। प्राइस कितना दे रखा है 10, क्वांटिटी कितनी दे रखी है 100, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 1000। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालें, तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, अगर आप एवरेज टोटल कॉस्ट के फॉर्मूला पे ध्यान दोगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, यानी कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एवरेज टोटल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। तो ATC है 8, क्वांटिटी है 100, तो टोटल कॉस्ट आ गया 800। तो प्रॉफिट निकल गया हमारा, टोटल रेवेन्यू दैट इज 1000 माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज 800, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 200। ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट, MC निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक कॉस्ट मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन और दूसरे यूनिट प्रोडक्शन में कितना अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर क्वांटिटी फॉर 100 यूनिट है, टोटल रेवेन्यू 1000, यानी 100 यूनिट क्वांटिटी बनाने के लिए 1000 रेवेन्यू बन रहा है। अगर क्वांटिटी 99 रहता, अगर क्वांटिटी 99 रहता तो टोटल रेवेन्यू कितना होता, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 99, यानी कि 990, यानी कि 990, करेक्ट 990 इसका क्वांटिटी, इसका टोटल रेवेन्यू होता 99th यूनिट पे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगा, $10 ही रहेगा, कॉम्पिटेटिव फर्म है। तो टोटल रेवेन्यू एट 99th यूनिट इज 990 एंड टोटल रेवेन्यू एट 1000th यूनिट इज सॉरी एट 100th यूनिट इज 1000। सो इनका डिफरेंस ही इसका मार्जिनल रेवेन्यू होगा, तो ये कितना हो गया 10। अच्छा पर यहाँ मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, वेरी वेरी सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो एक्चुअली 10 ही आना था मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव फर्म में एम आर 10 ही होता है, हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, माफ करिएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए हमारा जो एम सी है, ओके अगर आप ग्राफ पे ध्यान दो तो ये हमारा है ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, ओके हमारा एवरेज कॉस्ट है ये, ओके मार्जिनल कॉस्ट है ये, ओके एम आर इक्वल टू एम सी पे प्रोडक्शन होता है, एम आर इक्वल टू एम सी पे, ओके क्वांटिटी कितनी है 100, 100 क्वांटिटी प्रोडक्शन हो रहा है, 100 क्वांटिटी पे एम सी कितना होगा ये हमें चेक करना है, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, ओके तो मार्जिनल कॉस्ट एट 100 यूनिट हमें चेक करके निकालना है। कैसे करेंगे, नॉर्मल फार्मूला तो मार्जिनल कॉस्ट का होता है कि आप टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दो, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दो तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है, पर यहाँ टोटल कॉस्ट की कोई फंक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट की कोई फंक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना 800, 800 था टोटल कॉस्ट, ओके 800 वाज टोटल कॉस्ट, ओके इस टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट था 200 और वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा 600, ओके फिक्स्ड कॉस्ट 200 और वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा 600, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 200, ओके फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 200। अब यहाँ से हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो वो 200 पे नहीं, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगा, हमारे उस वेरिएबल कॉस्ट पे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, ओके वो वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें 600 वाले वेरिएबल कॉस्ट से इसे कंटिन्यू करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे एक और तरीका लगा सकते हैं, ये जो आपने टोटल कॉस्ट निकाला 800, ये क्यू इज इक्वल टू 100 पे निकाला, अगर आप क्यू इज इक्वल टू 99 पे, अगर आप यानी कि एक यूनिट पीछे Q इज इक्वल टू 99 पे अगर आप टोटल कॉस्ट निकाल ले तो आपको 99th यूनिट का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो 100 यूनिट पे है माइनस टोटल कॉस्ट जो 99th यूनिट पे है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मार्जिनल का कॉन्सेप्ट ये कि एक एक्स्ट्रा की बदौलत कितना हो रहा है, एक एक्स्ट्रा की बदौलत कितना हो रहा है, तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 798, 792, ओके तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 800 माइनस 792 दैट इज 8, दैट इज 8, ओके दैट्स द मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद पूछा व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो देखिए टोटल कॉस्ट हमने यहाँ निकाला था 200 प्लस 600, 200 था फिक्स्ड कॉस्ट, 600 था वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट 600 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 600 डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज 100 इज द क्वांटिटी, सो ए बी सी हो जाएगा 6, ए बी सी हो जाएगा 6। अब क्या पूछा है, इज द एफिशियंट स्केल ऑफ द फर्म मोर देन लेस देन और एग्जैक्टली 100, तो इस फर्म का एफिशियंट स्केल क्या होना चाहिए, मतलब वो जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्या एग्जैक्टली 100 होना चाहिए एफिशियंट प्रोडक्शन के लिए, या 100 से कम होना चाहिए या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए एफिशियंट प्रोडक्शन आपका वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका एम आर और एम सी इक्वल हो रहा है, एम आर और एम सी इक्वल हो रहा है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहता है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो एम आर है, हमारा जो एम आर है वो है 10, एम आर है 10 पर एम सी हमारा है 8, एम सी है 8, तो एम आर हो गया 10, एम सी हो गया 8, यानी कि एम आर माइनस एम सी इज 2 एंड एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, यानी कि ये अगर एम आर है, ये अगर एम सी है तो प्रोडक्शन इसके नीचे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सपोज करो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ एम आर 10 है पर एम सी 8 है, सो देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि ये अपने एफिशिएंट स्केल से कम पे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इसको एफिशिएंट स्केल पे प्रोड्यूस होना होता तो वो इस जगह प्रोड्यूस होता है जहाँ एम आर और एम सी बराबर है,
यानी कि समवेयर मोर देन 100, मे बी 100 एंड 200 एंड 3। सो द प्रोडक्शन इज एफिशियंट विच इज मोर देन 100, विच इज मोर देन 100। 100 से ज्यादा होने पे वो एफिशियंट प्रोडक्शन होगा, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एफिशिएंट के लिए हम एम आर इक्वल टू एम सी कर देंगे। जिस जगह पे हमें एम आर इक्वल टू एम सी सही लगेगा, बराबर लगेगा, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया पॉइंट होगा। इस बात को याद रखिएगा, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया पॉइंट होगा। अगेन, अगर आपको ये वीडियो देखते समय कभी भी ऐसा लगे कि वीडियो अच्छा है तो उसे ज़रूर लाइक करें, कॉमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं, और डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर ज़रूर करें। ऑल राइट, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने ही आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट द यूएस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉम्पिटिटिव एंड देर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में कोई व्यापार नहीं होता है। इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्राइस पर यूनिट ऑफ क्लोथ इज $30, यानी जो प्राइस है वो $30 है। प्राइस अगर $30 है तो एवरेज रेवेन्यू भी $30 होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी $30 होगा, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है, ये सब बराबर होंगे। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम यूजिंग ग्राफ्स ऑफ द एंटायर मार्केट एंड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। तो पूरे मार्केट का और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का, यानी कि फर्म का और इंडस्ट्री का, दोनों का ग्राफ में हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैं दो ग्राफ यहाँ फटाफट बना लेता हूँ। ये हो गया फर्म का और ये बना लिया मैंने मार्केट का, ठीक है, ये बन गया फर्म का, ये बन गया ये इंडिविजुअल, और ये मार्केट, ठीक है। अब देखिए, इधर क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, इधर प्राइस और कॉस्ट मेजर कर लेते हैं, इधर क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, इधर प्राइस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो एम आर और एम सी वाला जो, एम आर और ए आर वाला जो लाइन है वो है मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये विच इज इक्वल टू 30, दिस इज 30, ओके, दिस इज 30 एम आर ए आर प्राइस, ओके। अब मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से कट कर रहा है इस पे ध्यान देना है, और आपका ये क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहाँ से कट कर रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब ये हमारा है एम आर, इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ से कहीं से कटना चाहिए। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए एम सी ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए मैंने ये एम सी ड्रॉ कर लिया, और ये लॉन्ग रन पे है। कहाँ पे, लॉन्ग रन पे ध्यान देना है, लॉन्ग रन पे आपका ए आर और ए सी भी इक्वल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन पे ए आर और ए सी भी इक्वल होगा, सेम पॉइंट पर होगा, यानी कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ से गुजरेगा। और ध्यान रखना है, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम है, मस्ट इंटरसेक्ट मार्जिनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से गया है, और चूंकि लॉन्ग रन है इसलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू भी सेम पॉइंट पे है, ओके, सेम पॉइंट पे है। तो ये इसका क्वांटिटी होगा, ये इसका क्वांटिटी होगा Q1, ओके, और ये प्राइस कितना है 30, यानी 30 प्राइस पे ये इंडिविजुअल मार्केट का इक्विलिब्रियम है। तो पूरे इंडस्ट्री का क्या होगा, तो सेम प्राइस 30 पे मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, सेम 30 प्राइस पे आपका जो सप्लाई है, आपका जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। सेम प्राइस पे जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो प्राइस इक्वल टू 30 पे इक्विलिब्रियम होगा, और ये होगा क्वांटिटी Q1, ओके। तो ये हमने ग्राफ से दिखा दिया, ये इंडिविजुअल लेवल पे, ये मार्केट लेवल पे, ये एक फर्म के लेवल पे, ये पूरे सारे फर्म्स के लेवल पे, ओके। अब क्या कह रहा है कि नाउ सपोज द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन अदर कंट्रीज, यानी मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जो कंट्रीज हैं, वो भी कैनेडा, मेक्सिको, इन अदर कंट्रीज हैव लार्ज फिक्स कॉस्ट, सॉरी, इन अदर कंट्रीज आर विलिंग टू सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ओनली $25। यानी कि जो दूसरी देश है वो क्या कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में अपना टेक्सटाइल बेचेंगे, हम यूनाइटेड स्टेट्स में अपना टेक्सटाइल बेचेंगे सिर्फ $25 पे, यानी कम दाम पे। अब ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सौदा हो गया, क्योंकि उनको अपने देश में $30 पे मिल रहा था,
और दूसरे देश क्या कह रहे हैं कि हम $25 में ही बेचेंगे भाई, ठीक है हम $25 में ही बेचेंगे। तो अज्यूमिंग दैट यूएसए टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैव लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट, अब अज्यूम करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, व्हाट इज द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ दीज इम्पोर्ट्स। तो ये जो इम्पोर्ट्स होगा, ये जो दूसरे देश से जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो इम्पोर्ट्स होगा, इसका शॉर्ट रन इफेक्ट क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा, क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस बाई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे क्या पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए इंडिया कह रहा है कि हम $25 में यूनाइटेड स्टेट्स में कपड़े बेचेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में अपना प्राइस था $30, अब अगर इंडिया बेचना शुरू करेगा यूएस में, तो इससे यूएसए के जो प्रोड्यूसर्स है जो कपड़ा बना रहे थे, जो टेक्सटाइल बना रहे थे, उनके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कि दूसरे देश का डिसीजन जो कि हम इंडिया में सॉरी यूएसए में $25 में कपड़े बेचेंगे, इस डिसीजन से यूनाइटेड स्टेट्स के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में हैरी बोल के एक इंसान है जो कपड़े की शॉप खोल के रखता है, तो हैरी के दुकान के प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा इन द शॉर्ट रन। और एक चीज अजीम करना है कि हैरी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज ह्यूज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ह्यूज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज नहीं लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है, ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट, ये अज्यूम करके करना है, ठीक है। तो इसको समझना है कि अगर $25 में, अगर $25 में बेचा जाएगा, यानी मैं इसको एक दूसरे कलर से दिखाता हूँ, मे बी ब्लू कलर से, $25 यानी कि ये नीचे यहाँ आ गया, करेक्ट यहाँ आ गया $25 हो गया, $25 हो गया, तो $25 में क्या होगा, देखिए व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द सप्लाई कर्व, मार्जिनल कॉस्ट इज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, फर्म का सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट होता है, मतलब राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ही उसका सप्लाई कर्व होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज एमसी इन सप्लाई टर्म्स, तो एमसी इज द सप्लाई कर्व, बट डज एंटायर एमसी इज द सप्लाई कर्व, नो, राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी अबव एबीसी, यानी एबीसी कर्व के ऊपर से एमसी का राइजिंग पार्ट अगर है तो वो सप्लाई कर्व होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कॉस्ट पे डिपेंड करता है, मेरा जो खर्चा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि मैं सप्लाई करूंगा कि नहीं, पर यूनिट मेरा जो कॉस्ट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है मैं सप्लाई करूंगा कि नहीं, ठीक है। तो एमसी इज द सप्लाई कर्व, ऑलराइट। अब जब $25 प्राइस हो गया तो सप्लाई कर्व को ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, देखो, तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो था हैरी, उसका प्रोडक्शन देखिए आप कम गया, Q1 से Q2 पे आ गया, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ Q1 से Q2 पे आ गया शॉर्ट रन पे। अब इसकी होने की वजह से क्या हुआ, देख लीजिए $25 के होने की वजह से क्या हुआ, जो मार्केट सप्लाई था, मार्केट सप्लाई रिड्यूस हो गया Q2 पे, पर प्राइस के कमने से यूनाइटेड स्टेट्स के जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में बाकी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में एक लड़की रहती है जिसका नाम है लूसी, एक लड़का रहता है जिसका नाम है जो, एक और लड़का रहता है जिसका नाम है मे बी लूकस, तो इन जो लूकस जो लूसी इन लोगों के लिए तो कपड़े सस्ते हो गए क्योंकि इंडिया से जा रहे हैं कपड़े, तो ये डिमांड बढ़ा देंगे, ये होगा डिमांड हाई, तो हाई डिमांड लेस सप्लाई, इसका मतलब क्या है इम्पोर्ट्स होगा, इसका मतलब है इम्पोर्ट्स होगा, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दिस इज द इम्पोर्ट, ये Q3 माइनस Q2 का जो एरिया है दिस इज इम्पोर्ट, ये वो इम्पोर्ट करेंगे और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा क्योंकि अब उसको कम पैसे मिल रहे हैं उसके, बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई, बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई। फिर अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट रन, व्हाट इज द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे शॉर्ट रन इफेक्ट क्या होगा। अब आप सोच के देखो, क्वांटिटी कम गया, क्वांटिटी कम गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहां आपका MR इक्वल टू MC है, MR इक्वल टू MC यहाँ है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देर इज नो MR इक्वल टू MC, इस पॉइंट पे देर इज नो MR इक्वल टू MC, तो आप सोच के बताओ MR इक्वल टू MC अगर नहीं है तो क्या यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ओके, तो उनका लॉस होगा, और लॉस होने का एक और वजह है दे हैव हाई फिक्स्ड कॉस्ट, उनका फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो लॉस तो होना बनता है, लॉस तो होना बनता है क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे,
ड्यूटी प्रोड्यूस करेंगे, $25 मिलेगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे, सो दे विल हैव ह्यूज लॉसेस इन द शॉर्ट रन। ओके, इलस्ट्रेट योर आंसर विद अ ग्राफ। तो हमने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप एक ही ग्राफ में दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर सी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ यूएस फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब इन द लॉन्ग रन यूनाइटेड स्टेट्स में कितने फर्म्स होंगे, यानी कितने फर्म्स ऑपरेटिव होंगे, इसका आंसर आपको देना है। यानी कि ये सिलसिला अगर चला तो लॉन्ग रन में कितने फर्म्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स में दिखेंगे, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो इंडिया के फर्म से, जो भी कंट्री ट्रेड कर रही है, जो भी कंट्री $25 में अपना माल बेच रही है, उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यूएस के फर्म्स है उनका कॉस्ट बहुत हाई है, देयर कॉस्ट इज ह्यूज, तो दे वोंट बी एबल टू कम्पीट विद द फॉरेन फर्म्स। तो जितने भी डोमेस्टिक फर्म्स होंगे सब इंडस्ट्री छोड़ देंगे, सब इंडस्ट्री छोड़ देंगे, और जो कंट्री की डिमांड है, जो जो हैरी और लूकास लूसी इन लोगों की जो डिमांड है, वो फॉरेन फर्म यानी कि इंडिया इंडियन कंपनी जो है वो फुलफिल करेगी। ठीक है, वो फुलफिल करेगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन द फर्म्स विल फेस लॉसेस। वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूज कॉस्ट, सो दे विल लीव या एग्जिट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, द मार्केट या द इंडस्ट्री एंड फॉरेन फर्म्स विल फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड। कैसा लगा, कैसा लगा ये सोल्यूशन आप, मजा आया? दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करने का यू नो कैपेबिलिटी रखता है तो काफ़ी अच्छे उसकी तैयारी है, और जो नहीं रखते हैं उनके लिए रोड टू सक्सेस की वीडियोस है, आप लोग के लिए तो बना रहा हूँ मैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ, और इवन मेरा तो नंबर भी पब्लिक है, 9833006038, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। आप किसी से भी पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, अगर किसी ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में, मैंने हर एक इंसान को रिप्लाई दिया, हर एक को। ये मतलब मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, गारंटी कि मैंने हर एक को रिप्लाई किया, हर एक को, कोई भी नहीं मिस हुआ। ठीक है, और मैं हर पॉसिबल मदद करने को बिल्कुल सज्ज रहता हूँ, तो मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहती है। पर आप लोग को जो करना है, ये तीन चीज़ें आप करो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप बस ये तीन चीज़ें मुझे दें, बाकी बाकी सब कुछ, बाकी मेरे तरफ से आपके प्रति पूरा समर्पण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्चुअली, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका एक पार्ट थ्री में ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर देना चाहिए बिफोर मूविंग टू चैप्टर नंबर 15, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, दैट इज मोनोपोली। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए और रोड टू सक्सेस के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।